हेलो गाइस, दिस इज़ आर्यन कंडारी बैक विद अनदर वीडियो। सो आजकल बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, जवाब आते हैं, बहुत से लोगों से मिलता हूँ, तो उसमें से मेरे को आधे से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हम क्यों नहीं बन सकते, जो तुम कर सकते हो। जैसे मेरी डेडलिफ्ट आजकल 250 है और मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, आर्म रेसलिंग हो गई, मेंस फिजीक हो गया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बट ये सोचना कि उसी टाइम कर दूंगा जैसे मैंने डेडलिफ्ट मारी 250 किलो, उसी टाइम आप जा रहे हो, उठा रहे हो, नहीं उठ रहा है, बैक इंजर्ड हो रही है, तो ये होता है ईगो, दैट्स कॉल्ड ईगो लिफ्टिंग, ईगो सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सो ये बिल्कुल आपके लिए डेंजरस है, हार्मफुल है। सो अगर आपको अगर किसी चीज़ में कुछ अचीव करना है, चाहे वो फाइटिंग से रिलेटेड हो, आर्म रेसलिंग से रिलेटेड हो, पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड हो, मेंस फिजिक से रिलेटेड हो, एवरी थिंग टेक्स टाइम, योर हार्ड वर्क, योर पेशेंस, योर डाइट, योर रेस्ट, एवरी थिंग, चाहे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, सब मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, पसीना हर जगह बहाना पड़ता है, रोना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के ऊपर। कुछ चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती कि उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, बॉडी जेनेटिक्स पे बन गई। भाई हार्ड वर्क लगा है, बंदा रोया है, दिन रात पैसों के लिए स्ट्रगल किया है, मेहनत भी किया भाई, है सब कुछ देख के चलो। जब तक आप उस चीज़ से गुजरे ना हो ना, तो किसी पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, किसी पे डाउट नहीं करना चाहिए, किसी को टॉन्ट्स नहीं मारने चाहिए। बाकी बहुत सारे लोगों की ये भी आते हैं कि सब शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, हर चीज़ में शॉर्टकट्स बता देते हैं लोग, जब कुछ कर नहीं पाते। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में ले लीजिए, इतना बड़ा डोला है, इंजेक्शन डाले होंगे, ठीक है, इतनी हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, इंजेक्शन डाले होंगे, इतनी तगड़ी फिजीक है, इंजेक्शन डाले होंगे, ठीक है, और इतनी तगड़ी आर्म पावर है, इंजेक्शन डाले होंगे। भाई इंजेक्शन हर जगह क्यों क्यों, सबकी ये मेंटेलिटी है कि इंसान इंजेक्शन के ऊपर ही कर सकता है। जेनेटिक्स तो मेन फैक्टर होता है, ठीक है, दूसरा मेन है कि आप कितना डेडिकेट हो उस चीज़ के ऊपर, कितना आप अपने दिल से कर रहे हो चीज़। अगर आप डेडिकेटेड हो, आप पे टैलेंट है, हार्डवर्क है, जेनेटिक है, और आप मन से चाहते हो कि मैं उसमें कर सकता हूँ, तो आप नेचुरली कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप ओलंपिया खेलना चाहते हो, आप ओलंपिया भी खेल सकते हो नेचुरली, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 10-20 साल, टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, मैंने पहले ही कह दिया था, एवरीथिंग टेक्स टाइम। चाहे मैं कितने भी बड़े को बड़े अपने सीनियर्स को हरा दूं, टाइम लगेगा, अभी नहीं हरा पा रहा हूँ, बाद में हराऊंगा, टाइम लगेगा, टाइम टाइम टाइम, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्वेट, खून भी निकल जाता है बहुत सारी चीज़ों में, लिफ्टिंग में, बहुत सारी चीज़ों में, मेहनत तो हर जगह लगती है। जब तक आप अपना खून का दान नहीं करोगे, खून नहीं निकल रहा है, स्वेट नहीं हो रहा है, तो तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते ढंग से। बाकी डाइट भी मेन है, डाइट अच्छे से लीजिए, चाहे पैसे नहीं भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से जंक फूड या फिर जो आप नशा वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, जो फालतू के खर्चे हैं उनको बचाइए, ठीक है, बचाइए उन्हें, जितना आप सेव करोगे उतना अच्छा आप गेन करोगे। और तीसरा मेन चीज़ है कि लोग ये बोलते हैं कि ये जिम में कुछ नहीं करता है, फिर भी इसकी बॉडी कैसे बन गई है, जेनेटिक वगैरह वगैरह। भाई आप आओ, करो, देखो, सीखो, ठीक है, जब तक आप किसी को देख नहीं लेते कि पूरे दिन में क्या कर रहा है, आप किसी को भी ऐसे नहीं बोल सकते। बहुत सारे फिटनेस वाले होते हैं, मैं तो चलो डेली पोस्ट करता हूँ, जो पोस्ट नहीं करते हैं और जो ज़्यादा जिम में नहीं करते, घर पे भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो लोग उनको भी डीमोटिवेट, किसी को डीमोटिवेट मत कीजिए। इंसान कहाँ से पैसा ला रहा है, कहाँ से स्ट्रगल कर रहा है, कितना रो रहा है, तड़प रहा है उस चीज़ को पाने के लिए, वो आप नहीं जानते, वो आप बिल्कुल नहीं जानते। जब तक आप उस इंसान की लाइफ के अंदर आके या फिर उस इंसान की लाइफ की जैसा टेंशन सहन पहले सह नहीं चुके हो, जब आप सहोगे ना, या फिर उस इंसान की जो मुश्किलें हैं उस पर आओगे, तब जाके तुम्हें उसको पता लगेगा, तब जाके तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे, तब जाके तुम उसे अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। बाकी चौथा चीज़ है, मैं चौथी चीज़ में ये इंक्लूड करूँगा, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ क्यों नहीं करते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ अपना ही उसमें, मैं
ये टॉपिक बाद में खोलना चाहता था, पर थोड़ा आधा अभी खोल लेता हूँ, खोलना तो है एक ना एक दिन। तो मैंने अपनी 10th की स्टडीज़ छोड़ी कि मैं कुछ कर सकूँ, मतलब मैं ओपन दे रहा हूँ, मैंने 10th दे दिया, 12th दे दिया, मतलब मैंने प्राइवेट स्कूल छोड़ दिए थे, ठीक है। मैं अब बाहर ओपन से कर रहा था 12th, अभी कर रहा हूँ। तो जब माँ बाप ये नहीं समझ सकते, मेरी माँ तो बहुत समझती है, बट जो मेरे फादर हैं वो बिल्कुल नहीं समझते। उनकी एक अलग स्टोरी है, मैं बाद में शेयर करूँगा, बहुत लंबी स्टोरी है, सैड भी है और इंस्पायरिंग भी हो सकती है आपके लिए। तो ये है कि जैसे कि मैं पढ़ाई मैंने छोड़ दी, ठीक है, कि अब माँ बाप का ये सीन है कि उन्हें ये सब गलत लगता है। मैं उन्हें कितनी बार समझाता हूँ कि कोई ऐसा बंदा ढूंढ दो जो मेरी एज में मेरी जैसी फिजिक, दूसरा स्ट्रेंथ ला सके, मेरे को हरा, बीट कर सके। जिसने मेरे को मेरी एज में बीट कर दिया, मैं उसको उस दिन से मैं जिम छोड़ दूंगा। मैंने ये कह रखा है अपने फैमिली को, फादर को, तो वो नहीं समझ रहे तभी भी, क्या बोल सकते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ, बट दैट्स नॉट ट्रू इनफ। इफ़ यू हैव टैलेंट इन समथिंग, आप उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और अब इसमें मैं एक और पॉइंट जोड़ता हूँ, आप पढ़ाई में इतना खर्चा है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है, MBBS में 50-50 लाख रुपए देने पड़ते हैं, 5-5 साल करनी पड़ती है मेहनत, पर उसमें पता ही नहीं है कि रिजल्ट आएगा या नहीं, बच्चा मैं मतलब दिल से पढ़ना चाहता है नहीं। हाँ, जो दिल से पढ़ना चाहता है वो 50 लाख ना भी दे वो कर सकता है। देखो पैसे नहीं है ना, अगर वो ना भी दे उसको स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप तो मिल ही जाएगी, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ, मेरी फिजीक अच्छी हो रही है, स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ रही है, अब इसमें इन्वेस्ट करने में दिक्कत क्या है मेरी समझ नहीं आता। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से करना पड़ता है, मनी का बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सेंटी हो जाऊँगा, छोड़ो, ठीक है। अब आप पढ़ाई में टीचर्स बोल रहे हैं 10-20 हज़ार की किताबें, आप बड़े से बड़े स्कूल में जा रहे हैं, डाल रहे हैं अपने बच्चों को, चाहे आपके बच्चा पढ़ने का इच्छुक ना हो, बिल्कुल इच्छुक नहीं है बच्चा, ठीक है। और 10-10, 20-20 हज़ार की किताबें, लाखों की किताबें आ जाती हैं 5-10 सालों में, तो लाखों से ऊपर, और फीस तो हज़ारों लाखों से ऊपर सालों में ना, 5-10 सालों में जितना स्कूल जाता है बच्चा। और बैग्स हो गए, टिफ़न्स हो गए, और स्कूल में अलग अलग ड्रेसेस खरीदने के लाखों करोड़ों रुपए माँ बाप खर्च कर देते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो इस फिटनेस फील्ड में क्यों नहीं, क्या गलत है इसमें। अगर आप एक पेरेंट हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जो आपका बच्चा करना चाहता है उसे करने दीजिए। अगर आप नहीं समझोगे अभी तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बच्चा बहुत डिप्रेस स्ट्रेस में हो जाता है, क्या बता सकते हैं, बच्चा जीने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, ये कह रहा हूँ मैं। अगर आप उसे वो नहीं करने दे रहे जो उसके दिल में आ रहा है, उसके दिमाग में आ रहा है, उसको मन कर रहा है करने का, तो बच्चा नहीं जी पाता उतना, नहीं जी पाएगा आगे जाके, लाइफ में पछताएगा कि मेरे को वो पसंद था, मैंने वो क्यों नहीं किया, मेरे बाबा माँ बाप ने क्यों नहीं करने दिया। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके ख़त्म करते हैं, कीप सपोर्टिंग योर फ्रेंड्स, योर चाइल्ड्स, योर फैमिली पार्टनर्स, योर अदर सोसाइटी। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, और मैं जल्दी से जल्दी नई वीडियो आने की सोचूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, पेरेंट्स वाले के, उसमें मिलते हैं जल्दी, करूँगा शेयर आपसे अपनी लाइफ का स्ट्रगल का पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्राई मत करना, कोई नहीं, मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर।